फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है रोंगटे खड़े कर देने वाली है 8 साल की बच्ची। वैसे निवेदन है कि दोनों पैर लगवा दिया जाए और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पापा के पास पैसे नहीं। तो और इस प्रकार से बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है, इनके लिए कौन सामने आएगा इस बच्ची के जज्बे को सर? उसका पिता प्राइवेट जॉब कर रहा था, जो कमाया हुआ था पैसा वो बच्चा में लगा दिया, अब तो इतना आर्थिक स्थिति। धैर्य रखिए, बच्ची का इलाज जरूर होगा। स्कूल जा रहे थे, ट्रक आया, ठोकर मार दिया, दोनों पर कट गया। अच्छा, दोस्तों कहते हैं ना कि अगर हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो कुछ भी संभव है। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं महज 8 साल की सिपरा है, जिन्होंने बचपन में दोनों पैर जो है वो हादसे में गंवा चुकी है। इसके बाद भी जो है दोनों हाथ से तैर कर ये स्कूल जाती है और देख सकते हैं कि ये दोनों पैर गंवा चुकी है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत रहने वाली है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बच्ची है आज से 1 साल से 2 साल पहले जो है दोनों पैर गंवा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी बच्ची में पढ़ने का ललक इतना ज्यादा है कि स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है पढ़ने के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि बिहार में जातीय जनगणना के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आखिरकार इन सभी बच्चियों के लिए कौन सामने आएगा? आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची है, इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? सिप्रा कुमारी। सिप्रा कुमारी, कैसे हुआ था दुर्घटना? स्कूल जा रहे थे, ट्रक आया, ठोकर मार दिया, दोनों पर कट गया। अच्छा, यानी कि आप स्कूल जा रहे थे और अचानक से ट्रक आया और ठोकर मार दिया तो दोनों पैर जो है वो कट गया। जी। तो इसके बाद इलाज हुआ कि नहीं आपका? हुआ इलाज जी। थोड़ा बहुत ठीक हो पाया लेकिन चल नहीं पाती है? नहीं। तो कैसे आप स्कूल जाते हैं? पापा पहुंचा देते हैं साइकिल से। अच्छा, और स्कूल में जाने होने में हाथ से चल के जाते हैं ना? जी। तो बहुत मुश्किल होता होगा जाने में, परेशानी होता होगा? नहीं, नहीं होता है परेशानी। देखिए, इतनी छोटी बच्ची के अंदर हिम्मत कितनी ज्यादा है कि दोनों हाथ से चलकर ये स्कूल जाती है। हालांकि कुछ दूर तक इनके पापा जो है वो पहुंचाते हैं, उसके बाद ये चलती हुई नजर आती है। जरा आप चल के बताइएगा कैसे चल के स्कूल जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है रोंगटे खड़े कर देने वाली है, 8 साल की बच्ची इस प्रकार से स्कूल जाती है पढ़ने के लिए और पढ़ाई के प्रति जो ललक है आप देख सकते हैं कि बच्ची में कितनी ज्यादा है। महज 8 साल की है और इस प्रकार से बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है, इनके लिए कौन सामने आएगा? इस बच्ची के जज्बे को सलाम है जिस प्रकार से पढ़ने के लिए जाती है। अब आप ऊपर आके बैठ रहिए, बैठ जाइए। अच्छा, ये बताइए कि बच्ची के साथ समस्या कब से है? 2018 से ही समस्या है, एक्सीडेंट के बाद से ही। 6 महीना तो इलाज पीरियड में रही है, साल भर लगभग। हाँ। और साल भर के बाद तो। अच्छा, आप जो है इनके पिताजी हैं, इलाज कराने का आपने प्रयास किए? हाँ, पूरा प्रयास किए, हम ही किए ही हैं सर, और कहीं से गवर्नमेंट सपोर्ट या कहीं से सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, नेता का कोई सपोर्ट नहीं। अगर सपोर्ट मिलती तो एक पैर जो बचा हुआ था शायद बच जाता। सही बात है, अच्छी। अगर इनके लिए यहाँ के तमाम नेता मंत्री लोग आते आते तो शायद बच्ची जो है दोनों पैरों से अभी चल पाती, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि नेता मंत्री लोग सिर्फ चुनाव के समय गांव में आते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप दादी है, आपके आंखों में आंसू है, क्यों रो रही है बच्ची के लिए? बच्चे के लिए रोएंगे नहीं, आप नहीं रो सकते हैं, देखने के बाद तो कोई आदमी रो सकती है। ये 4 साल की थी, 5 साल के लगभग, उसी समय इसका पैर कट गया, जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन कोई सरकार से कोई प्रावधान नहीं मिला हम लोगों को। उसका पिता प्राइवेट जॉब कर रहा था, जो कमाया हुआ था पैसा वो बच्चा में लगा दिया, अब तो इतना आर्थिक स्थिति। धैर्य रखिए, बच्ची का इलाज जरूर होगा। बहुत लोग हैं हमारे देश में अच्छे लोग जो बच्ची के लिए सामने आएंगे। आप क्या चाहते हैं सरकार से बच्ची? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्ची को पैर लग जाए, उसका अच्छे स्कूल में कोई एडमिशन हो जाए, कि उसका अभिलाषा है कि हम पढ़ लिख करके कलेक्टर बने, तो ताकि बन सके। कोई मददगार आए जिनको दिल में दया है, हुआ करके सामने आकर मदद करे कि हमको, हम अपने हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। फिलहाल ये दादी है, इनके आंखों में आंसू है, क्योंकि बच्ची जो है वो दोनों पैर गंवाने के बाद भी सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ने का ललक इस बच्ची में काफी ज्यादा है। बहुत पढ़ने का इच्छा है उसका, शुरू से ही बच्चे से पढ़ने का इच्छा है। शुरू में कहती थी दादी हम डॉक्टर बनेंगे, शुरू में ही कह रही थी डॉक्टर बनेंगे। शुरू में कहती थी दादी हम डॉक्टर बनेंगे, अब कहती है कि हम कलेक्टर। ये माँ है, ये भी काफी ज्यादा दुखी है। बताइए कि बच्ची कैसे सारी काम कर पाती है? बच्ची काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा चल लूल लेती है, काम तो हम ही करते हैं, थोड़ा बहुत चल पाती है जी। लाइटिंग उटिंग उठा के ले जाते हैं और बाथरूम जो भी काम होता है हम भी करते हैं। तो बहुत समस्या होता होगा, लेकिन इतनी छोटी बच्ची है, UKG में पढ़ाई करती है और वो स्कूल ऐसे ही चले जाती है पैर से दौड़ते हुए।
नहीं अपने पापा इनको पहुंचा देते हैं स्कूल में, क्लास पढ़ा देते हैं, क्लास में थोड़ा हाथ से चल जाती है। अच्छा, तो काफी परेशानी भी होता होगा। परेशानी होती है, बहुत परेशानी। पढ़ाई घर पे कितने घंटे करती है? पढ़ाई 1 घंटे करती है। अच्छा, बच्ची का जैसा कि सपना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो आप लोग कलेक्टर बना पाएंगे क्या? आप लोग सक्षम है बच्ची को पढ़ाने? जी, हम लोग सक्षम है, लेकिन सरकार से मदद मांगते, सरकार थोड़ा मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। समझिए कि इस बिहार में ही नहीं पूरे देश में ऐसे अनेकों बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए कौन सामने आएगा? आखिरकार अगर देखा जाए तो यहाँ तो एक छोटा सा बच्चा वायरल होता है तो तमाम नेता मंत्री लोग जाते हैं वहाँ पर, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो डालते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए भी सामने आना चाहिए, क्योंकि वाकई में अगर इनका मदद होगा, आर्टिफिशियल पैर लग जाएगा, तो ये बच्ची जो है दोनों पैरों से स्कूल जा सकेगी। और जैसा कि इनका सपना है कि मुझे कलेक्टर बनना है, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं से निवेदन है कि यहाँ दोनों पैर लगवा दिया जाए, और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। पापा के पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। जी। अच्छा, तो कलेक्टर बन जाएंगे, पूरा उम्मीद है? है उम्मीद। और लोगों से क्या अपील करेंगे यहाँ पर जितने भी जो लोग हैं, आप क्या मतलब कलेक्टर बनना बन के क्या मतलब सोचिए अपना यहाँ? कलेक्टर बन के देश की सेवा करेंगे। अच्छा, देश की सेवा करेंगे और गांव के लोगों को? गांव के लोगों की भी सेवा करेंगे। अच्छा, गांव के लोगों की भी सेवा करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं महज 8 साल की ये शिरपा है, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई के प्रति जो ललक है काफी ज्यादा है, और ये जो बच्ची है वो पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है। आगे आइए चलते हुए, फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्ची के अंदर जो पढ़ने का ललक है वो काफी ज्यादा है और एक कलेक्टर बनना चाहती है। और ऐसे बच्चों के लिए तमाम जो नेता मंत्री है, विधायक है, सरकार को आगे आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए अंत में आप लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? निवेदन है कि दोनों पैर लगवा दिया जाए। हाँ। और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पापा के पास पैसे नहीं। दोनों पैर लगवा दिया जाएगा तो एकदम उम्मीद है कि आप कलेक्टर बन जाएंगे और पूरे माँ बाप ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन करेंगे। जी। अच्छा, फिलहाल आप इस बच्ची के लिए जो चाहे वो डोनेट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में इस बच्ची का फोन पे नंबर होगा उसको डाल देंगे, आप जो चाहे बच्ची के लिए मदद कर सकते हैं। और ऐसे जो है बिहार में अनेकों बच्चे हैं, उनके लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में जिस प्रकार से जातीय जनगणना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगर उसके जगह इन सभी बच्चों पर खर्च किया जाता तो शायद इन बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाता। और जैसा कि इनका जो सपना है वो कलेक्टर बनने का सपना है, ऐसे में इन सभी बच्चों के लिए तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करना चाहिए, ताकि हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश के जो बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी मेरा नाम जितेश कुमार है, आप प्रिंसिपल ऑफ न्यूज देख रहे हैं।